back. जी रबानिया, शेरबानो, आपके ख्याल में थिएटर एक्टर और टीवी एक्टर की अप्रोच में क्या फ़र्क है? थिएटर एक्टिंग में जब आप स्टेज पर होते हो तो वो ही एक मोमेंट होता है जो आप पिछले कुछ महीनों हफ्तों रिहर्स करते हो ना, आप स्टेज पर जब आओ वो आपका एक मोमेंट होता है जब आपने अपना सब कुछ देना है और वो जो मोमेंट होगा ना वो आपको हमेशा से याद भी रहेगा. वो आप मोमेंट हर जगह अपने साथ लेकर जा सकते हो. वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होता है. और जो टीवी एक्टिंग होती है उसमें आप काम करते हो, दिन रात शूटिंग चलती रहती है और फिर आप फाइनली फिर एंड में जाके अपना रिजल्ट देखते हो जब एक यू नो स्क्रीन पे आ जाता है. सो थोड़ा सा उसकी यू नो प्रोसेस में ज़रा फ़र्क है और एक्टिंग में भी ज़रा फ़र्क है. थिएटर में आप बिग इमोशंस करते हो, जेस्चर्स करते हो और टीवी में आप सटल चीज़ें कर सकते हो. आप आई का थोड़ा सा ट्विच करो तो कैमरा कैच कर लेता है. और ये शेर बानो का मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है? डायरेक्ट मीनिंग है शेर लायन और बानो का मतलब है लेडी, तो डायरेक्ट लायन लेडी या लायनेस हो गया. समझ आया आपको? हमारी लेडीज को तो सिर्फ लॉन का पता है कि लॉन दे सूट लेके ये फ्रॉम द हार्ट आई है उनके. बिल्कुल. अच्छा, ये चीजें तो चलती रहेंगी लेकिन माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, लाखों करोड़ों लोग आपके फैंस हैं माशाल्लाह. आपका बिस्मिल ड्रामा मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं. बहुत ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं. कोई ऐसा शख्स है जो को पसंद हो, आप दिल को बहुत अच्छा लगता हो? कोई दुनिया में कोई है ही नहीं. टॉम हार्डी की बड़ी फैन है वो. टॉम हार्डी? हाँ हाँ जी हाँ जी. उदी में हार्डी पासली तोड़ देंगे. टॉम हार्डी आपने जो पूछना, मैंने पहले ही क्लियर कर दूं कि टॉम हार्डी टाइप का कोई डिजाइन होना चाहिए. तो आपको टॉम हार्डी का आइडिया बताइए, क्या मैंने सही कहा? टॉम हार्डी का बड़े अच्छे फनकार है मुझे पता है. अच्छा, कौन सी फिल्म में आए थे? वो आए थे मौला जा 2 में आए थे. बड़ा जबरदस्त वेल बिल्ड किस्म का आदमी है, बड़ा वो सिक्स पैक टाइप और बहुत इस किस्म का. ऐसा ही वो सही कह रहे हैं. तो मैं आपको क्या लग रहा हूँ इस वक्त, टॉम हार्डी हीरो भी तो होता ना दिल का. तो कैसा शख्स होना चाहिए जो आप जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? आई थिंक पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपना करियर आगे करूँ, खुद जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ. आप स्टेबल हो जाएंगी, सब कुछ हो गया, 8-10 कार बना ले, 42-43 गड्डियाँ ले रही हैं, ठीक है ना, बड़े भरा दुबई सेट कर देता, छोटी भैन का ब्याह करा देता, डन हो गया पूरा कुछ. शहर बनो है, फर्क होगी नहीं. सब तो ठीक है, सबसे ज्यादा मजा उन्होंने लिया है. मैं कुछ और भी कह सकता था. तो सब कुछ हो गया, अब आपने अपने लिए कोई लड़का देखना है तो कैसा हो वो, क्या खसूसियात हो उसमें? अभी वहाँ पर टेंशन ही नहीं है. देखें ये आजकल आइडियल भी होता है, उनके जहन में ये बातें नहीं आ रही होती, ये आपके जहन में है. लेकिन सर देखे ना, मैं अभी 23 एज का मैं हो गया, साल हो गया. तो मैं भी मैंने भी तो शादी करनी है, लेकिन मेरा कोई नहीं, मेरा तो कोई ना कोई रिश्ता हो जाएगा. लेकिन लड़कियों का ज्यादा होता है. नहीं मगर उनका नहीं है, ये उनके नहीं है जहन. लेकिन फिर भी कोई आइडियल, कोई थोड़ा सा आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो जैसे वो खुद है, रिस्पेक्टफुल हो, क्रिएटिव हो और सपोर्टिव हो. ये तीनों खसूसियात तो माशाल्लाह मेरे में है, लेकिन तुसी मुझे पता ना कर देनी है. पता है ना मुझे, वो कह रही है कि मेरा अभी कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है. लेकिन वो जो बताया तीनों चीजें वो तो मेरे में है. हाँ मगर जब तक उनका प्रोग्राम बनना है तब तक आप कहाँ होंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है. अब कोई ऐसा कोई रिश्ता मिला, जब आपका जहन बने तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा. आपने कैसर चाचा को सबसे पहले बताना है और फिर मैं वासित आया को साथ लूंगा, रिश्ता ढूंढूंगा. बिल्कुल ऐसा ही मामला होगा जी, डन होगा. मगर आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका सर? 8 साल. 8 साल जी. ऐसे लेना चुप जे यार, चुप्पी बनती है. क्यों क्यों चुप क्यों बनती है? ऐसा क्यों है? ये 8 साल हो गए हैं, अब इसमें मैं क्या बोल. नहीं मगर मोनी 8 साल पे नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि चुप क्यों हो आंसर? क्योंकि वो अभी शादी होने की बात हो रही थी, मेरी 8 साल पहले हो चुकी है. अच्छा, तो इसलिए फिर मैं चुप था. और भाई शादी जो है ये लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? आपकी तो होगी है, क्योंकि मेरी नहीं, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है. मेरी तो अरेंज हुई थी और अच्छी है. आप इनको क्या मशवरा देंगे? ये जैसे है मुझे लगता है लव इनके लिए बेहतर है. मुबारक हो. किस चीज की? माई गॉड, मैं पाकिस्तान दे विच खुद मुख्तार पाकिस्तानी दे लिस्ट विच पहले नंबर ते आ गए. सर जी सारियां मुश्किलां मैं हल कर रही ने. क्या मतलब भाई? जदों बिजली जांदी सी हां यूपीएस ले आंदा मैं. सर जी जिसले पानी जांदा सी पानी लभदा नहीं सी, मैं घर दे विच खूह ही कढ़ा लई. ओके सर जी, गैस महंगी होई जे तो मैं सिलेंडर ले आंदा. ठीक है. दुध खालस नहीं सी मिलदा तो मैं गां ले आंदी. ठीक है. सर जी जिसले सब्जियां दा मसला होया गंदे पानी नाल धोंदे सन, मैं घर दे विच किचन गार्डन लवा लिया. ठीक है. गैस दा सिलेंडर महंगा होया,
ਗਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਅਖੀਰ ਸਮੋਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਪਵਾ ਲਾ। ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੋਗ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਹਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, 6 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਬਿਰਾਤ ਨਾਲ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿੱਥੇ? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਭਜਨ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ? ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਮੁਕਾ ਲਏ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਡਮ, ਕਹਿਣ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਸੈਲਫੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓ ਯੈਸ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨਿਓਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।